निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति सिक्योंग के चुनाव के अंतिम चरण के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। तिब्बती समुदाय के लोगों में अपना मत डालने के लिए भारी जोश देखने को मिला। सुबह 7 बजे से ही तिब्बती समुदाय के लोग अपना मत डालने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। फाइनल राउंड की वोटिंग में देश भर सहित विदेशों में भी आज वोटिंग हुई। देश और विदेशों में रह रहे निर्वासित तिब्बती भी सिक्योंग के लिए मतदान करेंगे। सिक्योंग के लिए मुख्य रूप से दो उम्मीदवार मुकाबले में हैं। फाइनल राउंड में पेम्पा शेरिंग और कैलसंग डोर्जे के बीच मुकाबला है। आज हुए मतदान के बाद 14 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें कि वर्तमान में डॉक्टर लोबसांग सांगे निर्वासित तिब्बत सरकार के सिक्योंग राष्ट्रपति हैं। गौरतलब रही कि डॉक्टर लोबसांग सांगे सिक्योंग लगातार 2 बार इस पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त वांगडू टेसिंग ने बताया कि निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति यानी सिक्योंग पद और संसद के 45 सदस्यों को चुनने के लिए तिब्बती समुदाय के लोग आज अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 देशों में रह रहे तिब्बती लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और 14 मई को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। वांगडू टसेरिंग ने चीन से आग्रह करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का हक है और यहाँ निर्वासित में रहते हुए भी हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन के लोग भी इस दिशा में चलें तो विश्व में शांति के लिए काम कर सकेंगे। आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ जो है अपना मत अधिकारी जो है वो हम निभा सक रहा हूं। और 26 देशों में आज मतदाता जो है वो अपने उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग जो है बहुत ही खुश से जो मताधिकारी जो है वो अपना उपयोग करा रहा है। तो आज जो है हमारे यहाँ तिब्बतियों के दो प्रकार के चुनाव हो रहा है, एक जो है अध्यक्ष के पद के लिए और दूसरा जो है वो पार्लियामेंटेरियन के लिए है। रिजल्ट जो है वो 14 मई को आएंगे और आप लोग देखिए, एक मनुष्य होने के नाते जो अपने मानव अधिकारी जो है वो होना चाहिए। सभी जो प्राणी जो है उसके पास जो है अपने अधिकारी हो। तो मैं चीन से भी यही आग्रह करूँगा कि हम यहाँ निर्वाचन में बैठते हुए भी हम अपने जो है मताधिकारी को उपयोग कर रहा हूँ। तो वो लोग भी इसी दिशा में अगर चले तो जरूर विश्व शांति के लिए कुछ काम कर सकेंगे। मैं अपने आप को नसीब मानता हूँ जो मुझे यहाँ पर वोटिंग करने के लिए राइट्स है। और चाइना में टिबेट में जो टिबेटन लोग हैं उसके लिए मैं थोड़ा बुरा मान रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास ह्यूमन राइट्स नहीं है, वोटिंग नहीं हो रहा है, फिर उन लोगों का सफ़र तकलीफ बहुत होता है। इसीलिए चाइना को ये बोलना चाहता हूँ कि टिबेटन लोगों को ह्यूमन राइट्स देना चाहिए और अपना कंट्री भी वापस देने चाहिए।